गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम कजिया पंडागे और मैं फिर एक नया वीडियो लेके हाजिर हूँ। सो गाइस, जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड किया था उसका रिस्पांस बहुत अच्छा आया, इसके लिए थैंक यू सो मच। और उसके ज़्यादातर कमेंट्स भी बहुत अच्छे, यानी सारे कमेंट्स भी मैंने रीड किए, कुछ के रिप्लाई भी किए, कुछ के नहीं कर पाई। सो उसमें उस जो वीडियो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें जो कमेंट्स है उसमें ज़्यादा कमेंट्स यही है कि एग्ज़ाम्स कब होने वाले हैं, अब तक डेट नहीं क्लियर हुई है। सो मैंने इसका वीडियो भी अपलोड किया था कि क्यों नहीं हो पा रही है, और इसका भी बिग इशू भी है जिसके लिए मैं आपको अलग से बताऊंगी क्योंकि ये वीडियो मेरा दूसरा है। सो गाइस, उसमें अदर कमेंट्स ये थे कि आपने जो बीएससी और पीएनएसटी के लिए जो प्रिपेयर हो रहे हैं उसमें तो बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि जेएनएम बंद हो चुका है या अभी भी चल रहा है। कुछ लोग का कहना है कि जेएनएम और पीएनएसटी में क्या डिफरेंस है, हम जेएनएम नहीं कर सकते हैं क्या। कुछ लोग सोच रहे हैं कि हम प्राइवेट से कर ले, अब वेट नहीं हो पा रहा। तो मैं वो सारे क्वेश्चंस का आंसर लेके इस वीडियो में आई हूँ कि आपको क्या करना है, थोड़ा वेट करना है या कर लेना है। सो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन क्लिक कर दे ताकि मेरे जो भी न्यू अपडेट्स हैं वो आप तक पहले पहुँच जाए। ओके, सो हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सो इसमें मैं आज बताने वाली हूँ कि पीएनएसटी एंड जेएनएम में क्या डिफरेंस है, क्या आपको प्राइवेट कर लेना चाहिए या नहीं करना चाहिए या वेट करना चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं। मैं इसमें सबसे पहले बीएससी या पीएनएसटी जो बीएससी से वो है उसका बीएससी के बारे में आपको फुल डिटेल्स देती हूँ कि बीएससी क्या है। तो जो बीएससी नर्सिंग है वो बैचलर ऑफ साइंस है। ओके, इसमें 4 साल की डिग्री होती है टोटल। जो भी पहले क्या होता था कि 4 साल का कोर्स प्लस इंटर्नशिप 6 मंथ अलग रहती थी, पर अभी काफ़ी टाइम से बंद हो चुका है और ओनली 4 ईयर में ये सारा कंप्लीट हो जाता है। सो बीएससी करने के लिए हमें 4 साल का वक्त चाहिए होता है और इससे हमें एक डिग्री मिलती है, और ये डिग्री हमारे बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। किसके जब हम मतलब जब हम डिग्री ले लेते हैं सो हम एज अ नर्सिंग स्टाफ हॉस्पिटल्स में वर्क करते हैं। इसके साथ ही हम इसके जस्ट बाद 2 ईयर एक्सपीरियंस के बाद हॉस्पिटल के, उसके बाद हम एमएससी कर सकते हैं। ये बेस्ट ऑप्शन है। एंड अगर आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में काम नहीं करना चाहते हैं तो आप एमएससी करके ट्यूटर बन सकते हैं और कॉलेजेस पे पढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही जो अदर बहुत सारे नेवी, आर्मी और जो भी रेलवे नर्सिंग्स होती है इसमें आप डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हो, जो कि बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये सेंट्रल लेवल का ऑप्शन होता है कि आप गवर्नमेंट से जो आपने बीएससी कर रखा है उसके थ्रू आप जब सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम देते हो तो इसमें कोई आपको एक्सपीरियंस नहीं लगता है अगर आपके पास डिग्री है तो बीएससी नर्सिंग की। ओके, सो इसमें कोई भी आपको अदर एक्सपीरियंस नहीं लगता है। आप डायरेक्ट आर्मी के आर्मी नर्सिंग के फॉर्म भर सकते हो, रेलवे नर्सिंग में फॉर्म भर सकते हो, नेवी नर्सिंग में फॉर्म भर सकते हो। सो इसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती है। और जैसे कि बहुत जगह नर्सेस जैसे नवोदय वगैरह जो होता है, स्कूल्स होते हैं वहाँ पे भी गवर्नमेंट नर्सेस की जो सेंट्रल लेवल के स्कूल्स होते हैं वहाँ पे भी नर्सेस की जो ज़रूरतें होती है, मतलब सीट्स अवेलेबल होती है, उसके लिए भी आप बीएससी नर्सिंग डिग्री है आपके पास तो आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। और जो बीएससी नर्सिंग होता है इसमें बीएससी नर्सिंग में जो हमारे 4 साल का कोर्स होता है इसमें हमें जीएनएम के की तुलना में डीपली पढ़ाया जाता है बीएससी नर्सिंग में। ओके, इसमें पूरा 4 साल का कोर्स होता है विथ प्रैक्टिकल्स एंड विथ हॉस्पिटल ड्यूटी। अगर आप जब बीएससी नर्सिंग की ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं एज अ गवर्नमेंट या प्राइवेट भी, तो आपको 4 ईयर स्टडी के साथ ही आपको हॉस्पिटल्स में ड्यूटी भी करनी होती है, और इसके साथ ही आपका प्रैक्टिकल नॉलेज भी इंक्रीज होता है। देन आपका जो स्टडी नॉलेज है वो कॉलेज में पढ़ाया जाता है। और जब आप बीएससी नर्सिंग कर लेते हो तो आप जीएनएम से सीनियर नर्सिंग ऑफिसर या सीनियर नर्सिंग स्टाफ कहलाते हो। जो बीएससी नर्सिंग क्या होता है उसमें अकॉर्डिंग जीएनएम नॉलेज भी ज़्यादा होता है, सो उसके अकॉर्डिंग उनकी जो सैलरी होती है वो भी ज़्यादा दी जाती है। जो बीएससी नर्सिंग कर लेते हैं डिग्री जिनके पास होती है उनको सैलरी भी ज़्यादा मिलती है जीएनएम से, जीएनएम की तुलना में। सो जो बीएससी नर्सिंग है ये बेस्ट कोर्स है। इससे क्या होगा कि आपको आगे अगर आप आगे कुछ अच्छा करना चाहते हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सो अब मैं जीएनएम नर्सिंग कोर्स की बात करती हूँ। तो जीएनएम का जो फुल फॉर्म है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। ओके, इसमें एक वर्ड ऐड हुआ है मिडवाइफरी।
सो मिडवाइफरी जो एक अलग ही सब्जेक्ट होता है, जब आप नर्सिंग करते हो तो उसमें एक सब्जेक्ट भी होता है जिसके बारे में आपको पूरा पढ़ाया जाता है। इसमें पूरा गायनिक से रिलेटेड होता है, गायनिक से बोला जाए तो लेबर रूम से, ओके, जहाँ पे डिलीवरियाँ होती है, कैसे की जाती है और किस तरीके से चाइल्ड वगैरह का ध्यान रखा जाता है, यानी सारा उसमें जो है जीएनएम में वो आपको मिडवाइफरी से रिलेटेड होता है। आपको पूरी स्टडी करनी होती है उसमें और ये कोर्स ओनली 3 साल का होता है और इसमें ही प्लस ट्रेनिंग मतलब इंटर्नशिप जो होती है 6 मंथ की, ये 3 ईयर में ही इंक्लूड होती है। और जो जीएनएम जो भी स्टूडेंट जीएनएम कर रखा है उसको उसके साथ फिर जब वो हॉस्पिटल्स में जॉब करने लग जाता है एज अ गवर्नमेंट स्टाफ वो ज्वाइन कर लेता है, उसके बाद अगर वो सोचता है कि चलो अब हो चुका काफ़ी है, मुझे कुछ और करना चाहिए, इसी में मुझे आगे कुछ अच्छा करना चाहिए, तो वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है आपको हर जगह रुक जाना पड़ता है। आपको सबसे पहले अगर आप जैसे एम्स देना चाहते हैं, एम्स नर्सिंग के फॉर्म निकलते हैं जो बीएससी बेस पे लिया जाता है, ओके, सो अगर आप एम्स का फॉर्म देना चाहते हैं तो आपको इसके लिए 2 साल का पोस्ट बेसिक क्लियर करना होता है, ओके। सो जीएनएम अगर आप करते हैं तो 3 साल जीएनएम के हो जाते हैं और आप जब इसको आगे हायर एजुकेशन करने के लिए जब आप पोस्ट बेसिक बीएससी करते हो तो वहाँ पे आपको 2 साल की पोस्ट बेसिक बीएससी करनी होती है जिसमें आपका ये कोर्स 5 साल का इंक्लूड हो जाता है। सो ये आप ही के लिए प्रॉब्लम है। और बात यह है कि जब आप जीएनएम कर लेते हो तो इसमें पोस्ट बेसिक बीएससी करने के लिए भी आपको 2 साल का एक्सपीरियंस मांगता है, अभी तो शायद थोड़ा बढ़ा दिया गया है, समथिंग 3 साल हो चुका है। सो पहले 2 ईयर का ही लगता था, अब 3 साल हो चुका है। सो समझ गए होंगे आपकी बीएससी अगर आप जीएनएम करते हैं तो आगे प्रॉब्लम्स होती है, आप सिर्फ एज ए स्टाफ हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हो, उसके आगे आपको बढ़ने के लिए अपना जो अदर फील्ड में जाने के लिए आपको थोड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही जैसे कि आप अगर जीएनएम कर लेते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आर्मी नेवी या रेलवे अदर नर्सिंग के आपको फॉर्म सबमिट करनी है तो इसमें तो एक ऑप्शन ये अच्छा है कि आपको बीएससी पोस्ट बेसिक बीएससी का नहीं मांगते हैं, वो ओनली जीएनएम से 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगते हैं इन हॉस्पिटल, ओके, आप जो हॉस्पिटल में जॉब करते हो सो वहाँ का वो 5 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं जीएनएम के थ्रू अगर आपने जीएनएम कर रखा है तो। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। और जो जीएनएम करता है उनकी जो सैलरी होती है वो बेसिक बीएससी करने वाले की सैलरी से थोड़ी कम होती है, वर्क सेम होता है पर सैलरी में डिफरेंस आ जाता है, हॉस्पिटल वर्क जो होता है वो सेम होता है, तो इस तरीके से बीएससी और जीएनएम में काफ़ी डिफरेंस है। और जो जीएनएम होता है इसमें जो स्टडी कराई जाती है एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड अदर चाइल्ड मतलब चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग जो कराई जाती है ये उतने ज़्यादा डीपली नहीं होता है, इसमें रिसर्च वगैरह सब्जेक्ट नहीं होता है जो जीएनएम होता है, ओके, सो हम इसमें कोई रिसर्च नहीं करते हैं, बीएससी में ये सब होता है इसलिए उसे 1 साल बढ़ाया गया है और इसमें सब्जेक्ट्स भी बीएससी नर्सिंग में सब्जेक्ट्स भी ज़्यादा होते हैं, जो जीएनएम होता है उसमें सब्जेक्ट्स भी कम होते हैं। और एक मेन बहुत सारे लोग जैसे इंग्लिश का उन्हें नॉलेज नहीं होता है तो जो जीएनएम होता है वो हिंदी बेस्ड सारी स्टडी उसमें हिंदी में होती है, ओके, और जो बीएससी होता है उसमें आपको इंग्लिश आना जरूरी है क्योंकि उसमें सारी स्टडी इंग्लिश से होती है, एग्जाम्स इंग्लिश से ही लिए जाते हैं, आपको इंग्लिश में ही राइट करना होता है। जो जीएनएम होते हैं उसमें ऑप्शन होता है या तो आप इंग्लिश में कर सकते हैं और हिंदी तो सबके लिए कॉमन है आप कर सकते हो, पर बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका जीएनएम में हो जाता है और उनको इंग्लिश का ज़्यादा नॉलेज होता है और वो इंग्लिश पसंद करते हैं, सो उनके लिए भी ऑप्शन होता है कि वो इंग्लिश मीडियम चूज़ कर सकते हैं, है ना। सो आप लोग समझे होंगे कि जीएनएम और बीएससी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सो आप जब भी चूज़ करें बीएससी नर्सिंग ही चूज़ करें, भले 1 ईयर ज़्यादा लगेगा पर आपको डिग्री मिलेंगी और जीएनएम में आपको ओनली डिप्लोमा मिलता है 3 साल का, लाइक आप ग्रेजुएट नहीं होते, आपके पास ओनली 3 साल का डिप्लोमा होता है और बीएससी में आप ग्रेजुएट होते हो और आपके पास डिग्री होती है। सो आई होप आपको समझ आया होगा। और जो एक दो कमेंट्स थे कि हम लोग वेट करें या प्राइवेट जीएनएम या बीएससी नर्सिंग ज्वाइन कर ले, सो गाइस अगर आपको लगता है कि आपको ऐसा करना चाहिए तो आप कर सकते हो, पर अकॉर्डिंग टू मी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि एग्जाम्स अभी जो पुराना अपडेट आया था उसमें उन्होंने कहा था कि जुलाई के लास्ट फर्स्ट वीक कहा था उन्होंने, तो पर जो अपना वो था उसके अकॉर्डिंग हम सोच रहे थे कि 3rd वीक तक हो जाएंगे, ठीक है, तो ऐसा नहीं हो पाया, पर अभी ओनली जुलाई चल रहा है, अभी जुलाई का 3rd वीक भी नहीं आया है, तो आपको प्रिपेयर रहना है क्योंकि फॉर्म कभी भी आ सकते हैं। अभी जो गवर्नमेंट फॉर्म है वो यूपी के आ चुके हैं,
और अब हमारे एमपी की बारी है। आप ऐसा ना सोचे कि हम प्राइवेट में ज्वाइन कर ले गया। और एक बात कि जब मतलब जो भी स्टूडेंट होता है, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट का देखा है जिन लोगों को बिल्कुल नॉलेज नहीं है कि गवर्नमेंट में का एंट्रेंस एग्जाम ही कैसे देते हैं, और वो अदर लोगों के इसमें आके प्राइवेट में ज्वाइन तो कर लेते हैं, फिर उन्हें जब पता चलता है, लाइक वो हमारे यहाँ ड्यूटी पे आते हैं, हम उन्हें बताते हैं कि आपने क्यों गवर्नमेंट चूज नहीं किया, तो कहते हैं दीदी हमें तो पता ही नहीं है गवर्नमेंट कैसे करते हैं, क्या होता है। सो जब उन्हें बताओ कि आप अभी जो एंट्रेंस एग्जाम है वो दे देना, तो वो कहते हैं दीदी अब हम नहीं दे सकते क्योंकि हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्राइवेट वालों ने पूरे जमा कर लिए हैं और वो हमें नहीं देना है, देंगे रिटर्न, है ना। सो प्राइवेट की एक पॉलिसी होती है कि जब वो आपके सारे डॉक्यूमेंट जमा कर लेते हैं तो वो आपको नहीं देते, 4 साल तक आपको आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो नहीं देते, क्योंकि उन्हें डर होता है कि आप बीच में उनका कॉलेज छोड़ देंगे और वो ओनली फीस कमाना चाहते हैं। सो गाइस आप सतर्क रहे अगर आप प्राइवेट में लेना चाहते हैं, सो ले ले, बट अपने डॉक्यूमेंट्स का एक पीडीएफ बना के अपने साथ रखे। और जब आप अगर आपने मतलब अदर यानी कर लिया बीएससी ओके प्राइवेट से कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट ईयर ही आपका गवर्नमेंट आपने एग्जाम दिया और आपका हो गया, तो जब आप मतलब जो आपका प्राइवेट बीएससी कॉलेज है आप जब उसे छोड़ना चाहते हो तो वहाँ के लोग आपसे मतलब आपके फीस का आधा, जैसे आपकी 4 लाख फीस है तो कहते हैं कि ठीक है आप 2 लाख जमा कर दो, हम आपके डॉक्यूमेंट्स रिटर्न कर देंगे। सो इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो अगर आपको लगता है कि आप प्राइवेट मतलब आपको लगता है कि आप गवर्नमेंट में सेलेक्ट हो जाओगे, आपकी स्टडी इतनी अच्छी है और आप चाहते हो कि आप गवर्नमेंट ही करें, सो प्लीज़ आप वेट करें क्योंकि एग्ज़ाम बहुत जल्द होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एग्ज़ाम ना हो क्योंकि रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। अभी जो बीएससी का नेक्स्ट बैच है वो नहीं आया, जो हमारे स्टूडेंट आते हैं उनका जो जूनियर बैच है वो अभी तक नहीं आया, तो हर जगह की सीट फुल करना गवर्नमेंट का काम है। और मतलब आगे जो गवर्नमेंट नर्सेज देना है एमपी में वो भी उनका वो भी एक ज़रूरी है। सो आप ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि कब आएंगे क्या करना है, आप चाहे तो नॉर्मली कॉलेज में एडमिशन ले ले, पर ऐसा कोई अदर कोर्स में मतलब ना जाए कि प्राइवेट ही कर लेते हैं एमबीएससी। आप गवर्नमेंट पे जाके कर लीजिए, माइक्रोबायोलॉजी से कुछ भी नॉर्मल प्लेन बीएससी कर लीजिए, आपका साल भी ख़राब नहीं होगा और आपका पढ़ाई में भी मन लगा रहेगा, ठीक है। सो और आप साथ ही बीएससी के अच्छे से तैयारी करें क्योंकि बीएससी के एग्ज़ाम होंगे। और आई होप आपको मैंने जो बताया जीएनएम और बीएससी में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। सो जो भी गाइस मतलब जो भी लोग हैं जो नहीं चाहते गवर्नमेंट करना, मतलब बहुत सारे लोगों का ऐसा रहता है कि कौन इतनी मेहनत करे डायरेक्ट ले लो प्राइवेट में एडमिशन या जो भी है, तो अगर आप भी करते हो तो आप प्लीज़ बीएससी नर्सिंग को ही चूज़ करें। आप एक साल या थोड़ी फीस कम के चक्कर में जीएनएम को चूज़ मत करो क्योंकि उसमें आगे जाके आपको ही प्रॉब्लम होनी है। जब आप प्राइवेट से बीएससी नर्सिंग करके निकलते हो तो जो प्राइवेट अच्छे अच्छे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं तो वो आपको जीएनएम के बेस पे छोटा समझते हैं, वो उन्हें लगता है कि आपको इतना नॉलेज नहीं है, ओके। सो प्लीज़ आप लोग बीएससी चूज़ करें, बीएससी नर्सिंग चूज़ करें, जिससे कि आप अगर अदर जगह प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी अपना इंटरव्यू देते हो, जो भी आपके आगे मतलब क्रिएट होता है जो भी सिचुएशंस, तो उसके अकॉर्डिंग बीएससी नर्सिंग बेस्ट है। और अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट जीएनएम अब टोटली बंद हो चुका है। सो गाइस अभी हमारे एमपी में भी ओनली 10 कॉलेजेस बच गए हैं, वो भी ओनली बीएससी नर्सिंग के। तो मैं आपको इसका भी पूरा वीडियो अभी नेक्स्ट वीडियो में वही अपलोड करूँगी कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं क्या और कितनी फीस है, फीस लगती है या नहीं गवर्नमेंट कॉलेजेस में। ऑल आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे उसका मुझे प्लीज़ आप कमेंट्स करके बता दीजिएगा क्योंकि मेरा नेक्स्ट वीडियो कॉलेजेस पे ही होने वाला है। और आई होप आपको समझ आया होगा बीएससी नर्सिंग और जीएनएम। सो प्लीज़ अगर आप चूज़ करते हैं तो बीएससी चूज़ करें, और अगर गवर्नमेंट्स में तो खैर जीएनएम है ही नहीं तो कोई ऑप्शन की बात ही नहीं है। और अभी धीरे से प्राइवेट में भी बंद होने वाला है, शायद अगर आप पढ़ते हो तो आप लास्ट बैच होंगे जीएनएम के, ओके। सो आई होप आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और सबसे मेन आप मुझे कमेंट जरूर करें कि जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसके अकॉर्डिंग वीडियो बनाऊंगी। और जो कमेंट्स के मैं रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ मैं वीडियो में रिप्लाई करती हूँ। सो प्लीज़ गाइस आप मेरे वीडियो को पूरा देखें, और मैं जो शॉर्ट डालती हूँ अपलोड करती हूँ उसमें भी बहुत सारे लोगों के मतलब मैं उसमें सब बता देती हूँ, उसके बाद भी मुझे कमेंट करके बोलते हैं कि दीदी ये कब हो रहा है। तो प्लीज़ आप वीडियो को एक बार फिर से देखें, उसमें सारा आपको आंसर मिल जाएगा, ओके।